many other parts of the world to be a surveillance state. Tharoor, Mr. Tharoor, सरकार के लिए बेवजह आपत्ति दर्ज करा रहे हैं आप लोग. देखिए, आप लोगों से बोलिए कि अगर आपकी अरेस्ट कोई भी कारण के लिए गिरफ्तार हो गई, कि आपका खिलाफ आपके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है और केस भी नहीं आने वाला है, फिर भी आपका ब्लड टेस्ट, आपका डीएनए, आपकी आंखों के आयरिस स्कैन सब कुछ ले सकते हैं. आप जनता से पूछिए कि या इस किसके बारे में उनके कोई भी शक नहीं है, उनका कोई भय नहीं है कि सरकार इसको क्यों कर रहे हैं. दूसरी बात यह है कि ये सब जो सरकार ले लेगी 75 साल तक रख सकते हैं, और ये 75 साल ये सब रखना, हमारे देश में एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी अब तक नहीं ले आए पार्लियामेंट में, तो ये सब क्या करेंगे सरकार? क्या सरकार चाहती है कि हर भारतीय नागरिक को कोई भी बहाने पे सारे डिटेल वो पकड़ के रखें? क्यों? ये सारे मेडिकल बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन सरकार को क्यों चाहिए? तो और ये भी कहूँगा कि अंत में ये क्या कह दिया है कि जब आपके खिलाफ ये कर देगा कोई पुलिस आपसे ये सब ले लेगा, आपको अदालत जाने का हक नहीं है, क्योंकि कोई भी इसमें लीगल सूट नहीं लगा सकेंगे लोगों के. लोकसभा में विरोध करेंगे सर? लोकसभा में मेरी पार्टी और मेरे ख्याल में दूसरे विपक्ष की पार्टी भी विरोध. थैंक यू सर.